नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा है आप सभी ठीक होंगे। आज के मेरे इस न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज के इस न्यू ब्लॉग में मैं आपको बहुत ही सुंदर जगह, प्रकृति द्वारा बनाया गया ऐसा सुंदर जगह पे मैं आप लोगों को लेके आया हूँ। और यहाँ जगह गोंदिया से, महाराष्ट्र के गोंदिया जिले से लगभग 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित यहाँ एक संगम घाट, साथ ही यहाँ शिवधाम के नाम से भी बहुत मशहूर है। और यहाँ जगह प्रकृति द्वारा बनाया गया एक खूबसूरत जगह है। और इस जगह पे आप लोग आने के बाद में आप लोगों का मन संतुष्ट होने वाला है। इसलिए इस वीडियो में आप लोग अंत तक अवश्य बने रहिए। मैं अभी आप लोगों को जो दृश्य दिखा रहा हूँ ये है शिवधाम, जहाँ पे पत्थरों के बीच में, टापुओं के बीच में जो मंदिर बने हैं वो आप लोग देख रहे हो। और साथ ही इसके जस्ट किनारे में आपको वैनगंगा और बाघ नदी का संगम स्थल भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। साथ ही यहाँ के मंदिर जो कि बहुत पुराना है, और साथ ही पत्थरों से बना हुआ यहाँ मंदिर है। और इस मंदिर का अंदर का दृश्य मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, जहाँ पे शिवलिंग स्थापित है। और यहाँ शिवलिंग पे जलाभिषेक के लिए कांवड़िया सावन के महीनों में हर साल यहाँ हजारों के तादाद में हर साल आते हैं। साथ ही यहाँ पर मकर संक्रांति में इस जगह पे 14 जनवरी हर साल यहाँ पर मेला लगता है। और इस मेले में भी बहुत से लोगों की भीड़ यहाँ रहती है। महाशिवरात्रि में यहाँ पर एक मेला लगता है, जहाँ पे खाने पीने की भी यहाँ पर सुविधा रहती है। कार्तिक पूर्णिमा में यहाँ पे कई हजारों के तादादों में यहाँ पर लोग नहाने आते हैं। और साथ ही यहाँ पर जो नज़ारा आप लोग देख रहे हो, यहाँ बहुत ही सुंदर नज़ारा रहता है। और हर मौसम में यहाँ एक अपना एक नज़ारा रहता है। साथ ही यहाँ पर गर्मियों में यहाँ एक गोवा से कम नहीं लगता, जो कि आप लोगों को नहाने के लिए बहुत ही अच्छा जगह यहाँ पर माना जाता है। और ठंडियों में यहाँ पर कश्मीर से कम नहीं आपको एहसास देगा। और साथ ही इस जगह से आप लोगों को सुंदर सा ब्रिज देखने को मिलेगा, जो कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को रेलवे लाइन द्वारा जोड़ती है। और साथ ही यहाँ से लोकल गोंदिया बालाघाट ट्रेन जाती हुई आप लोग देख सकते हो। और जहाँ जिस जगह पर हम हैं अभी, जहाँ पे जो टापू, जो कि पत्थर, बड़े बड़े पत्थरों के से बना हुआ है, यहाँ पर एक नदियों के किनारे बसा हुआ है। और साथ ही मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि जिस जगह पे अभी हम हैं, जहाँ पर ये जो संगम स्थल है, जहाँ वैनगंगा और बाघ नदी का जो संगम है, जहाँ की वैनगंगा मध्य प्रदेश के महादेव पहाड़ी के मुंदारा से इनका उद्गम हुआ है, जिसका लंबाई की बात की जाए तो 569 किलोमीटर है। और इसका शिवनी जिले, साथ ही बालाघाट जिले से होते हुए यहाँ महाराष्ट्र के बीरसोला में बाघ नदी से मिलती है। और बाघ नदी की बात की जाए तो यहाँ छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से के फूल झाड़ी नामक पहाड़ी से यहाँ निकलती है, और यहाँ पर वैनगंगा में आकर यहाँ मिलती है। और वैनगंगा और बाघ नदी का संगम आप लोग देख सकते हो। अपने इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्पष्ट दिखा रहा हूँ कि वैनगंगा और बाघ नदी का जो संगम है कि वो किस प्रकार से, और दोनों नदियों का पानी कभी एक दूसरे से मेल नहीं खाता, क्योंकि वैनगंगा का पानी हमेशा स्वच्छ और ताज़ा दिखाई देता है और बाघ नदी का पानी एक मटमैला दिखाई देता है। और इसलिए यहाँ पर आप लोग अवश्य, ये यहाँ दोनों नदियों का पानी कभी मेल नहीं खाता। और यहाँ पर इस संगम स्थल पर नहाना शुभ माना जाता है। और यहाँ पर बाघ नदी का संगम यहाँ स्थल वैनगंगा में समाप्त होता है। वैनगंगा यहाँ सर आगे बनकर चलती है और अंत में गोदावरी नदी में जाकर मिलती है। इसलिए आप लोग इस संगम स्थल में नहाने अवश्य आइए और इस प्रकृति का मज़ा अवश्य लीजिए। यहाँ वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद।